बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के लातूर से। भीषण सूखे की चपेट में महाराष्ट्र के लातूर में पानी की दूसरी ट्रेन पहुंच गई है। 50 बोगियों वाली इस ट्रेन के जरिए 25 लाख लीटर पानी इस सूखा प्रभावित इलाके में पहुंचा है। ये पानी की सबसे बड़ी मात्रा है जो लातूर पहुंची है। इससे पहले ये ट्रेन 10 ट्रिप लातूर की लगा चुकी है। हर ट्रिप में सिर्फ 10 बोगियां होती थी जिसमें 5 लाख लीटर पानी जाता था। आपको बता दें कि करीब 50 लाख लीटर पानी अब तक इस इलाके में पहुंचाया जा चुका है और जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें आगे भी पानी की जरूरत इस पूरे इलाके को पड़ती रहेगी। लिहाजा अगर आप पानी ऐसे इलाके में हैं जहां पर पानी है तो उस पानी को सहेजिए। ये स्थिति कभी भी कहीं भी बन सकती है और ट्रेनों के जरिए पानी पहुंचाने की ये स्थिति फिलहाल लातूर में। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा प्रचंड सूखे की चपेट में है। इलाके की प्यास बुझाने वाले डैम्स में महज 3% पानी बचा है। जानकारों का मानना है कि पानी की इतनी कमी इतिहास में कभी नहीं हुई। उस्मानाबाद, बीड और लातूर में हालात बेहद खराब हैं। तकरीबन 6 बांध पूरी तरह से सूख चुके हैं। जमीन के नीचे का पानी भी नीचे और चला गया है जिससे पानी के लिए लोगों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है, मशक्कत करनी पड़ रही है। पानी की खोज लोगों के लिए चुनौती बन चुकी है। खासतौर पर मराठवाड़ा के गाँव में हालात बहुत खराब हैं। महाराष्ट्र सरकार को ग्राउंड वाटर निकालने के लिए 20 फीट से ज्यादा खुदाई पर रोक लगानी पड़ी।